children, how are you? I hope you are fine. Today we are going to learn letter B. And letter A हमने previous video में पढ़े थे. Now see, letter B. तो letter B के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? एक story पढ़ेंगे. The bear and the bee. तो क्या है ये? The bear and the bee. बियर क्या होता है? भालू होता है. इसमें दो कैरेक्टर है, बियर एंड बी. बियर का मतलब होता है भालू, बी का मतलब होता है मधुमक्खी. लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी. बू इज अ स्मॉल बियर. बू बियर का एक नाम था. बू बियर का नाम था. बू इज अ स्मॉल बियर. He was playing with his balloon. बू के पास एक बलून था, वो उसके साथ खेल रहा था. बू बियर का नाम था. बू इज अ स्मॉल बियर. ही वॉज प्लेइंग विथ हिज बलून. बू किसका नाम था? बियर का नाम था. और बियर किसके साथ खेल रहा था? बलून के साथ. बलून मतलब गुब्बारा, ठीक है. When he heard a strong sound, बियर क्या सुनता है? एक strong sound मतलब आवाज. Boo followed the sound. Boo कौन है? बियर. तो बियर followed करता है वो sound को, वो आवाज को वो follow करता है. Until he found a small bee. फिर उसे क्या मिलता है वहां पे? एक small छोटा सा मधुमक्खी मिलता है. बियर क्या फॉलो किया? फॉलो किया साउंड. साउंड मतलब आवाज. उसने फॉलो किया और उसने क्या पाया वहां पे? एक स्मॉल बी, एक छोटी सी मधुमक्खी. इट वॉज फ्लाइंग अराउंड द फ्लावर्स. इट वॉज फ्लाइंग अराउंड द फ्लावर्स मेकिंग अ बजिंग साउंड. मधुमक्खी की जो आवाज होती है भी भी करके, जो एक आवाज निकलती है, वो उसे वहां पे फ्लावर के ऊपर, फूल जो होते हैं उसके ऊपर आवाज करती हुई मधुमक्खी बैठी थी. बू इज अ स्मॉल बियर. ही वॉज प्लेइंग विथ हिज बलून. बू जो है एक छोटा सा बियर है और बू बियर का एक नाम है. ही वॉज प्लेइंग विथ हिज बलून. और बियर बलून के साथ खेल रहा था, गुब्बारे के साथ खेल रहा था. When he heard a strong sound, उत्ते में उसने क्या सुना? एक आवाज. Boo followed the sound. तो Boo बियर जो है वो उसको फॉलो करने लगा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है. Until he found a small bee. जब वो आवाज को फॉलो करने के लिए गया तो वो क्या, उधर पे एक स्मॉल बी को देखा. फाउंड Until he found a small bee. उधर पे उसने एक छोटी सी मधुमक्खी को देखा. It was flying around the flowers, making a buzzing sound. वो मधुमक्खी जो है वो फ्लावर, फूल के ऊपर बैठी थी और आवाज कर रही थी. The bee was gathering the nectar from the flowers to make the honey. जो मधुमक्खी है वो फूलों पे बैठ के रस इकट्ठा कर रही थी ताकि वो हनी बना सके, ठीक है. द बी वॉज गैदरिंग द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स टू मेक द हनी. बू लव द बी. जो बियर है वो बी से लव्ड करता है. इट गिव्स हिम स्वीट हनी. जो बू है वो किसे? बी से लव करता है. इट गिव्स हिम स्वीट हनी, ताकि उसको स्वीट हनी मिल सके. नाउ वी कंप्लीटेड द स्टोरी द बियर एंड द बी. सो हम आपको एक बार फिर से स्टार्ट से इसको रिपीट करते हैं. बू इज अ स्मॉल बियर. ही वॉज प्लेइंग विथ हिज बॉल. When he heard a strange sound, Boo followed the sound until he found a small bee.
It was flying around the flowers, making a buzzing sound. The bee was gathering the nectar from the flowers to make the honey. Boo loved the bee. It gave him sweet honey. तो इसमें क्या समझे आप लोगों ने? एक बू था और एक बी था. बू किसका नाम था? बू बियर का नाम था. और बी का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी. बियर का मतलब होता है भालू. तो जो बू था वो बू जो था वो बहुत छोटा सा बियर था. वो अपने बलून के साथ खेल रहा था. फिर उसे एक आवाज आती है, स्ट्रेंज आवाज आती है. तो बू फॉलोड करता है वो साउंड को. वो उस आवाज को उसके उस आवाज के पीछे पीछे जाता है. फिर वहां उसे एक स्मॉल सी बी मिलती है. वो मधुमक्खी, छोटी सी मधुमक्खी होती है. वो किसके ऊपर घूम रही थी? फ्लावर्स के ऊपर. उसपे एक साउंड, बजिंग साउंड कर रही थी. मीन्स जो मधुमक्खी होता है उसका जो आवाज होता है वो अपने उस आवाज में बोल रही थी. द बी वॉज गैदरिंग द नेक्टर. तो वो द बी वॉज गैदरिंग द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स टू मेक द हनी. जो बी थी वो अपना फ्लावर्स पे बैठ के रस इकट्ठा कर रही थी ताकि वो हनी बन सके. तो बू इसलिए बू लव द बी. बू जो था, बियर जो था, वो बी से लव करता है तो ताकि उसे वो स्वीट हनी मिल सके, शहद मिल सके. तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी और ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं. हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. बाय.